हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक ब्लूटूथ डिवाइस है जो कि मोबाइल से कनेक्ट होकर गाना वाना प्ले करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसको रिपेयर करते हैं। इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है दोस्तों, जो कि इसका चार्जिंग जैक पूरे अच्छी तरीके से टूट चुका है, बहुत ही अच्छी तरीके से। मतलब दोस्तों मस्ती कर रहा था, ये चार्जिंग इसका टूट चुका है जो कि चल नहीं रहा, अभी चार्ज नहीं है तो ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो चलिए इसको किस तरीके से करना होता है हम इसको आपको करके दिखाते हैं किस तरीके से खोला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके पीछे के साइड में एक रबड़ का कैप लगा रहता है। इसको दोस्तों किसी भी ब्लेड वगैरह नुकीले चीज़ की मदद से बड़ी है आराम से निकालना है सफाई के साथ, ताकि ये टूटे ना, ताकि हमको बाद में फिर लगाना होता है। तो चलिए हम इसमें दो पेच लग रहे थे, इसको फटाफट खोल लेते हैं। जैसा कि दोस्तों इसे खोलने के बाद देखिए पीछे का कवर निकल जाता है। निकल जाने के बाद ये हमको स्विच में साइड में निकाल कर बटन को रख देना है कवर को। उसके बाद प्लेट को ओपन करते हैं, देखिए हमारा चार्जिंग जैक टूट चुका है ये, और चार्जिंग जैक भी पूरी तरीके से फट गया है। तो इसमें हम किस तरीके से लगा सकते हैं, तो चलिए हम इसको यही वापस से अगर लग जाएगा तो लगाएंगे, नहीं तो दूसरा जैक कैसे लगाया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे। ये देखिए दोस्तों पूरी तरीके से फट गई है जैक पूरी, तो किस तरीके से लगाना होता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सब हमारे वीडियो पर बने रहें। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों देखें, यहाँ पे चार प्रॉब बने हुए हैं जो कि टूट चुके हैं। तो ये देखिए हमारा एक पॉजिटिव मतलब प्लस का आता है जो एक डायोड से होके गुजरता है। तो मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में भी फुल डिटेल दूंगा, तो अभी कैसे जोड़ना है उसको भी हम आपको बता दें। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि ये बॉडी का स्टील कलर का जो इसमें मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव वगैरह लगाया जाता है, ये हमारे सभी जगहों पर ग्राउंड हमको कहीं से भी मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेंड करते हैं, और उसके बाद पहले माइनस का सिरा हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कि कंटिन्यूटी हमारी जहाँ पे आएगी वहीं पे हमारा माइनस का पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि हमने एक प्रॉब को ये मेमोरी कार्ड वाले लगाने वाले स्लॉट पे लगा दिए, और दूसरा देखिए बैटरी के माइनस पर लगा रहे तो भी हमारी आ रही है, और पेन ड्राइव वाले पर लगा रहे तो भी आ रही है, और इसके इधर भी देखिए नहीं आ रही, यहाँ पर देखिए आ रही है माइनस पॉइंट। और जहाँ पर रीडिंग दोस्तों शो कर दें पिन के टूटने वाले जो पहला वाला प्रॉब है उस पर हमारा प्लस रहता है चार्जिंग का। तो हमने देखिए सेकेंड वाले पे तो लगाया कुछ नहीं, बट फर्स्ट वाले पे लगाने में देखिए हमारी थोड़ी सी रीडिंग आ रही है, मल्टीमीटर में आपको दिख नहीं रहा होगा, बट दोस्तों जिसमें आपको रीडिंग मिल जाए उसमें समझ लीजिए आपका चार्जिंग का प्लस पॉइंट रहेगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखिए इस पर लगा रहे हैं, कंटिन्यूटी आ रही है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लगाने से कंटिन्यूटी आ रही है, हमारी माइनस कहीं से भी ले सकते हैं बैटरी का ग्राउंड। तो हम प्लस का वायर इसमें से जोड़ लेते हैं, जोड़ना क्या है हम डायरेक्टली चार्जिंग पिन लगा के एक बार देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने देखिए इसको अच्छी तरीके से लगा दिया है आपको नोटिस करवा के, और आप काम जब भी करें थोड़ा सफाई से करें, ब्रश वगैरह मार दें, साफ़ सुथरा रहेगा। तो चलिए हम चार्जिंग जैक को लगाने के बाद इसको हम चार्ज करके दिखाते हैं आपको, चार्जिंग में लगा के ऑन भी करके आपको हम दिखाएँगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कितने अच्छी तरीके से लग गया है। तो हमारी जो ग्राउंड होती है वहाँ से स्क्रैप करके थोड़ा सा उसके साथ भी सोल्डिंग कर देंगे, तो हमारी पिन जो है उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो जाती है। चलिए हम इसको प्लग इन करते हैं सप्लाई को, देखिए हमारी ऑन हो गई है, मतलब चार्जिंग शो करने लगी है, मतलब हमारी बैटरी अब चार्ज होगी। तो चलिए हम देखिए यहाँ पर आपको सप्लाई बैटरी पर दिखा देते हैं, सॉरी दोस्तों कंटिन्यूटी पर था मल्टीमीटर, तो हम इसको 20 वोल्ट DC पर सेट करेंगे। चलिए हम चार्जिंग जैक को लगाने के बाद हम आपको सप्लाई भी चेक करवा के दिखा देते हैं। देखिए हम उसको ऑन कर रहे हैं, ऑन भी हो रहा है अच्छी तरीके से। तो दोस्तों आप खूब चलाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको इन सब चीज़ों को रिपेयर करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप सब हमें कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।